चलिए गुड मॉर्निंग। यहाँ तक कल पढ़ाई हुआ था, इसके आगे से देखा जाए। इसमें भी एक इरर आ गया था, ये देखिए दो ही लिखे, तीन है ना, एक दो तीन है, इसका यूज नहीं किए थे, थोड़ा सा सुधार देते हैं। हालांकि आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2527 भी जोड़ देते हैं, लेकिन पीडीएफ देखिएगा तो फर्क पड़ जाएगा। तो आपका आंसर तो जितना था उतना ही आएगा। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये बता दिए थे, अच्छा आगे भी बना। आप पढ़ना है आपको शेष संबंधित प्रश्न, शेष संबंधित प्रश्न पढ़ना है। तो पहले शेष संबंधित प्रश्न, रिमाइंडर से रिलेटेड क्वेश्चन दो टाइप का। एक हो गया आपको SCF, एक हो गया LCM के लिए। तो फर्स्ट टाइप में पढ़ा जाए SCF के लिए, तो दो टाइप का क्वेश्चन होता है। एक होता है समान शेष, शेष देगा नहीं, रिमाइंडर देगा नहीं, लेकिन कहेगा कि इक्वल होना चाहिए। और एक होता है जब अलग अलग रिमाइंडर हो, अन इक्वल रिमाइंडर लिख दिए। तो पहले इसके बारे में देखा जाए, तो समान शेष के लिए क्वेश्चन का लैंग्वेज ऐसा होगा कि वह बड़ी संख्या क्या है जिससे ए बी तथा सी में भाग देने पर शेष यानी रिमाइंडर हमेशा समान रहे। तो ऐसे क्वेश्चन का मेथड होगा, सभी संख्या के दो दो संख्या का डिफरेंस निकालिएगा और उसका SCF निकालिएगा। जैसे नंबर है ए बी सी, तो ए बी का डिफरेंस, बी सी का डिफरेंस, ए सी का डिफरेंस, जो जिसमें से घटे, ए में से बी घटे चाहे बी में से ए घटे, निगेटिव मत लिखिएगा। और इसका क्या निकालना है SCF। तो देखिए जैसे क्वेश्चन, वह बड़ी संख्या क्या है जिससे क्रमशः इतना 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 में भाग देने पर रिमाइंडर कैसा रहे, समान। तो पहले डिफरेंस निकालिए, फिर से समझा जाए। चलिए दोनों का डिफरेंस हो गया 7, ये दोनों का डिफरेंस 14, ये दोनों का 21, अभी सबका SCF निकालिए। तो SCF मतलब हाईएस्ट कॉमन, हाईएस्ट कॉमन हो गया 7, आंसर हो गया 7। ये याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है, इसमें आपको याद रखना पड़ेगा। अब क्वेश्चन का मतलब समझ लीजिए, 7 जो आंसर आया उसका थोड़ा सा मतलब भी समझ लिया जाए। वह बड़ी संख्या क्या है
तो वह बड़ी संख्या सात है, जिससे मतलब सात से सताइस में, यहीं सात से चौंतीस में और यहीं सात से अड़तालीस में भाग दिया जाए तो हमेशा रिमाइंडर क्या होना चाहिए, एक जैसा। देखिए एक जैसा आता है कि नहीं, तो इसमें छः बच जाएगा, इक्कीस घटाइए, चलिए इसमें अट्ठाईस घटाइए, छः बचेगा, बयालीस, इसमें भी छः बचेगा, तो यही देखिए सब में रिमाइंडर क्या आया, एक जैसा आया। क्वेश्चन यही, क्वेश्चन कहने का यही मतलब था कि एक ऐसा नंबर से तीनों नंबर में भाग दीजिए ताकि रिमाइंडर आपको क्या होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। कितना रिमाइंडर होना चाहिए यह नहीं पूछा गया, लेकिन एक जैसा होना चाहिए। चलिए अगला जो है अनइक्वल रिमाइंडर, असमान शेष। इसका भी इसमें दो तरह का क्वेश्चन पूछेगा, या इसका एक और नाम दे दिए हैं, जब शेष दिया जाए। पहला टाइप में देखिए शेष समान होना चाहिए, लेकिन कितना होना चाहिए ये तो नहीं ना बोला, लेकिन दूसरा केस में देखिए इसमें शेष दिया जाता है। तो वह बड़ी संख्या क्या है जिससे एबीसी में भाग देने पर, दो तरह का क्वेश्चन, एक में कहता है कि रिमाइंडर एक्स होना चाहिए और एक में कहा कि अलग अलग होना चाहिए। तो देखिए यदि रिमाइंडर, तो एससीएफ में पहले यह समझ लीजिए, जितना रिमाइंडर बचाना है उतना ही घटा देना है, जितना शेष आपको लाना है उतना ही घटा देना है। तो जैसे इसमें शेष आपको रिमाइंडर एक्स बचाना है, तो ए में भी एक्स घटाइए, बी में भी एक्स घटाइए, सी में भी एक्स घटाइए और उसका एससीएफ निकालिए, आंसर। अलग अलग रिमाइंडर है तो भी वही बात, ए में एक्स तो एक्स माइनस के, बी में वाई तो वाई माइनस के, सी में जेड तो जेड माइनस के, तो सीधा याद रखिएगा। क्वेश्चन यदि आपको एससीएफ का है, यह कैसे पता चलेगा कि एससीएफ का है, तो बड़ी संख्या का है इससे पता चलेगा। जितना रिमाइंडर आपको बचाना है लाना है उतना ही घटा देना है, चाहे रिमाइंडर एक जैसा हो चाहे अलग अलग जैसा हो। वह बड़ी संख्या क्या है, क्वेश्चन एससीएफ का है, इतना इतना से भाग देने पर रिमाइंडर सिक्स और फाइव होना चाहिए। तो आइए पहला नंबर है इतना, थोड़ा और थिकनेस बढ़ाते हैं, दूसरा है इतना, पहला में रिमाइंडर आपको सिक्स है, दूसरा में रिमाइंडर आपको फाइव है, तो जितना रिमाइंडर बचाना है उतना क्या कर देना है आपको, माइनस कर देना है। तो आइए यही हो जाएगा 1651, यह हो जाएगा 2032, और यही दोनों को अब आपका क्या करना है, एससीएफ निकाल देना है, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास ऑप्शन तो है नहीं, तो ऑप्शन नहीं है तो रफ करना पड़ेगा। तो 2032 में 1651 घटा देते हैं, तो ये हो गया 183, फैक्टराइज करते हैं, 3 गुना 127, 127 का फैक्टराइज नहीं होगा, एक फैक्टर तीन है, देख लेते हैं तीन से कटता है कि नहीं, 5 1 6 6 12 1 3 नहीं कटेगा, तो इसका मतलब है कि आपका एससीएफ 3 नहीं होगा, एससीएफ होगा 127, तो आपका आंसर हो गया 127, अब इसका कोई फैक्टर नहीं होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, बड़ी संख्या क्या है, क्वेश्चन एससीएफ का हो गया, नंबर इतना 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 दिया हुआ है, रिमाइंडर 12 है, किसी भी तरह का रिमाइंडर हो, एक जैसा चाहे अलग अलग, उसको तुरंत घटाइए। तो 1356 है ना, 1356, चलिए रिमाइंडर को माइनस करिए, तो यह हो गया 1344, 1856, 2752। अब इसी का आपको एससीएफ निकाल देना,
चलिए तो एक बार घटाना पड़ेगा, यहाँ ऑप्शन है तो थोड़ा हमको आसान पड़ेगा। अठारह सौ छप्पन में 1344 घटाइए। पाँच सौ बारह आ गया। अब 512 का आपको फैक्टराइज नहीं करना है, इसलिए कि आपके पास ऑप्शन है। तो 512 64 से कटेगा, 512 इससे नहीं कटेगा, इससे भी नहीं कटेगा, 512 इससे भी नहीं कटेगा। इसका मतलब इसका एचसीएफ 64 होगा और आंसर हो गया आपको 64। अब आ जाइए एलसीएम के लिए। एलसीएम के लिए तो इसमें भी समान शेष और असमान शेष दो तरह का क्वेश्चन है। एक मिनट रुकिए, जरा पानी लाइए तो छवि कहाँ। चलिए आ गए। तो इसमें भी दो टाइप का क्वेश्चन है, एक में इक्वल रिमाइंडर होगा, एक में अनइक्वल होगा। तो पहले आइए इक्वल के लिए। देखिए पहले ही बार गलती लिखा हुआ है, टाइपिंग गलती हो गया है। यहाँ पर छोटी संख्या होगा, तो वह छोटी संख्या क्या है? इससे पता चला कि क्वेश्चन आपको क्या चीज का है, एलसीएम का है। एबीसी से भाग देने पर रिमाइंडर क्या बचना चाहिए? एक्स। तो एक तरह का रिमाइंडर है, हर में रिमाइंडर एक तरह का है, मतलब समान तरह का इक्वल रिमाइंडर हो गया। तो बहुत इजी मेथड है, जो भी नंबर दिया है, जितना भी नंबर दिया है, सबका क्या निकालिए? एलसीएम। और जो रिमाइंडर है उसको अलग से जोड़ देना है, एलसीएम निकालिए और रिमाइंडर अलग से जोड़ दीजिए। बोला गया है कि वह छोटी संख्या क्या है, क्वेश्चन हो गया एलसीएम का। तो पहले एलसीएम निकाल देते हैं, 7, 9, 11 का। और रिमाइंडर कितना आपको लाना है? 5। तो 5 अलग से इसमें जोड़ दीजिए। ये सब देखिए को प्राइम नंबर है, को प्राइम मतलब इसमें कुछ कॉमन नहीं ना है, तो कॉमन नहीं है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 × 9 × 11, यही आपका एलसीएम हो जाएगा। मतलब ही आपका एलसीएम हो गया। तो 7 × 9 63, 63 × 11 3 9 6 + 5 6 19। कुछ नंबर हो जिसमें कोई जिसका एचसीएफ 1 हो, जिसका एचसीएफ 1 हो मतलब को प्राइम हो,
तो उस कैल्शियम के लिए क्या करते हैं, सब नंबर को गुना कर दीजिए, उसमें सोचना ही नहीं है। चलिए अब आइए, अब यहाँ पर देखिए अलग अलग रिमाइंडर है। अब आपका रिमाइंडर क्या चीज़ है, अलग अलग है, तो इसका पहले थ्योरी समझ लीजिए। चलिए अब यदि रिमाइंडर अनइक्वल हो, समान ना हो, अब यदि रिमाइंडर अनइक्वल हो तो इसका मेथड है, पहले एगो एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा, एक क्वेश्चन पहले लिख देते हैं। ये हो गया क्वेश्चन का पैटर्न, अब इसका मेथड। तो देखिए नंबर हो गया ए बी सी, और रिमाइंडर यदि अलग अलग रिमाइंडर है तो उसको पहले घटाया जाता है, तो ए में एक्स घटाइए, बी में वाई घटाइए, सी में जेड घटाइए। ए में ही एक्स क्यों घटाइए, तो ए से डिवाइड करने पर, ए में ही भाग देने पर रिमाइंडर एक्स बचा है, बी में वाई, सी में जेड, जिसमें जितना बचा उतना घटाइए। तो घटाने पर मान लीजिए कि के आता है, तो इसमें भी के आएगा, इसमें भी के आएगा। ये घटाने पर ये जो बचना चाहिए वो तीनों सेम बचना चाहिए, और सेम ना बचेगा तब बनाना संभव नहीं। सेम नहीं बचेगा तो क्वेश्चन को मेथड से बनाना संभव नहीं। सेम नहीं बचेगा तो सेम बचाने का प्रयास करना है, लेकिन यदि बराबर, इसको बराबर जब करना संभव नहीं होगा तो क्वेश्चन को भी मेथड से बनाना संभव नहीं होगा। अब आपको क्या करना है कि एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है, ये जो बराबर नंबर आ गया उसको घटा देना, ये जो बराबर नंबर आ गया उसको क्या करना है, घटा देना। तो फिर से समझा जाए एक बार, ये देखिए इक्वल रिमाइंडर है तो इसका मेथड एलसीएम प्लस रिमाइंडर, इक्वल है तो एलसीएम प्लस रिमाइंडर, और अनइक्वल है, अनइक्वल है तो एलसीएम माइनस के, जहाँ पर के क्या है, तो के बराबर नंबर माइनस रिमाइंडर, नंबर माइनस रिमाइंडर, नंबर और रिमाइंडर का डिफरेंस आपका क्या चीज़ है, के। यहाँ क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए नंबर हो गया, रिमाइंडर अलग अलग है, तो पहले आप किसका मान निकालिएगा, पहले आप के का मान निकालिएगा। आपको 1 3 5 हो गया, इसमें घटाइए 6, ये भी घटाइए 6, ये भी घटाइए 6, यही आपको के हो गया। अब हम सबसे पहले क्या निकाल देंगे, एलसीएम। तो 7 9 11 का एलसीएम निकालेगा, 693 अभी जस्ट निकाले हैं, और अब आपका आंसर हो गया 693। अब के को क्या करना है, माइनस करना है, तो यहाँ पर 6 घटा दीजिए, आंसर हो गया इतना 687। तो याद रखिएगा एलसीएम में दो पैटर्न, एक इक्वल एक अनइक्वल। इक्वल वाला में क्या करिएगा, एलसीएम निकाल कर शेष को जोड़ देना, अनइक्वल वाला में क्या करिएगा, तो पहले के का मान निकालिएगा, रिमाइंडर और नंबर का डिफरेंस पता करिएगा, तो वो दोनों इक्वल आएगा।
अब एलसीएम निकाल के उसको क्या करिएगा, घटा दीजिएगा। चलिए यहाँ देखिए, फिर सेम तरह का क्वेश्चन है, 7, 9, 11 है, रिमाइंडर आपको 1, 2, 3 है, 1, 2, 3 है। अब यहाँ देखिए, इसमें से घटाइएगा तो 6, इसमें 7, इसमें 8, ये बराबर है नहीं? ये बराबर नहीं है तो बनाना संभव नहीं है। तो एक बार बराबर करने का प्रयास करना है, एक बार बराबर करने का प्रयास करना है। तो देखिए, बराबर करने का कैसे प्रयास करेगा, ये जो रिमाइंडर है उसको डबल, ट्रिपल, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम्स ऐसे करिएगा। ऐसे करने से भी कभी कभी बराबर हो जाता है, जैसे इसको हम डबल कर रहे हैं और ये घटाइए तो ये हो गया 5, 5, 5। देखिए बराबर हो गया, तो के का मान आ गया 5। आई बराबर जैसे 2 से गुना किए, बराबर हो गया। 2 से गुना करने से बराबर नहीं होता, तब तो 3 से गुना करते, 3 से भी गुना करने से बराबर नहीं होता, तब तो 4 से गुना नहीं करते। काहे नहीं करते, यहाँ देखिए 11 से भाग दिए तो शेष 3, दुगुना किए तो 6, 11 से भाग देने पर 6 शेष हो सकता है, लेकिन इसको चरगुना करिएगा तो 4 गुना 3 12, 11 से भाग दिए तो 12 शेष थोड़ी होगा। तो यहाँ 2 ही बार गुना कर सकते हैं, 2 बार 3 बार, 2 और 3 से गुना करने से इक्वल नहीं होगा, तो कह देंगे कि मेथड से बनाना संभव नहीं है। हाँ, ऑप्शन से बन सकता है, लेकिन मेथड से बनाना संभव नहीं है। तो अब आइए पहले एलसीएम निकालिए, तो एलसीएम हो गया 693, और अब आंसर देखिए। तो ये के को जोड़ते थे कि घटाते थे, घटाते थे, तो 693 में 5 घटा दिए, लेकिन आंसर नहीं हुआ। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान देना है, जितना से गुना किए थे लास्ट में उतना से भाग देना होगा। क्यों ऐसा करना होगा, तो रिमाइंडर 1, 2, 3 लाना था, लेकिन आप ले आए 2, 4, 6 ना, आप रिमाइंडर को ही डबल कर दिए थे, तो फिर जब संख्या को आधा करिएगा तब रिमाइंडर फिर आधा हो जाएगा। ये जैसे इसमें 5 घटाएगा तो 688 होगा, तो 688 में 7 नहीं 11 से भाग दिएगा तो शेष 1, 2, 3 नहीं बचेगा, 2, 4, 6 बचेगा। फिर जब नंबर को हाफ कर दीजिएगा तो रिमाइंडर भी हाफ हो जाएगा, और जैसे ही हाफ होगा तो फिर 1, 2, 3 हो जाएगा। तो फिर से जितना से गुना किए थे उतना ही से फिर आपको भाग देना है। तो ये हो गया 688/2, फाइनल आंसर हो गया 344। तो इसका ध्यान रखिएगा, जितना से मल्टीप्लाई करिएगा उतना से डिवाइड करिएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, 7, 9, 11 है, 1, 2, 3, 1, 2, 5 शेष बचाना है, 6, 7, 6 बराबर नहीं है, तो बराबर करने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए 2 से इसमें हम गुना कर देते हैं, तो ये हो गया आपको कितना, 5, 5, ये हो गया 1, फिर बराबर नहीं हुआ। अब हम 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 15, तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो इससे ज़्यादा रिमाइंडर कैसे हो सकता है, तो मेथड से बनाना संभव। हाँ, हमको ऑप्शन देता तो ऑप्शन में बता सकते हैं कि कौन हो सकता है, लेकिन मेथड से निकालना संभव नहीं। चलिए अब यहाँ पर फिर रिमाइंडर का क्वेश्चन तो है ही, लेकिन यहाँ पर अब एगो कंडीशनल क्वेश्चन भी आ गया, तो रहने देते हैं, अभी क्लास तो चल नहीं रहा है, ये हम आपके लिए रिकॉर्डिंग बना दिए हैं ताकि क्लास रुके नहीं, पढ़ाई रुक नहीं जाए, पढ़ाई चलते रहे। तो आज जो भी बताए आपको, रिमाइंडर से रिलेटेड क्वेश्चन बताए, इतना ध्यान में रखिएगा, आई बहुत जरूरी है। रिमाइंडर का कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, एससीएम पीएलसीएम का, जब बात शेष का आ जाए तो आज जितना बात बताए उसके यूज किए बिना बनाना संभव नहीं। आज आपको मूल रूप से ऐसे क्वेश्चन आपको 7-8 बताए, लेकिन मूल रूप से शुरू में जो 4 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन एससीएफ का,
एगो एगो समान शेष एगो असमान शेष। और दो क्वेश्चन एलसीएम का, उसमें भी एगो समान एगो असमान। ये चार क्वेश्चन का यूज किए बिना रिमाइंडर का कोई भी क्वेश्चन बनाना संभव नहीं है। रिमाइंडर का कोई भी क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन हो, ये चारों में से किसी एक का यूज आएगा ही आएगा। इसके यूज किए बिना किसी दूसरे टाइप का क्वेश्चन बनाना संभव ही नहीं है। ये बात एकदम माइंड में कब रखिएगा, तो ये चार को बात एकदम याद रखिएगा। एससीएफ का समान शेष के लिए मेथड क्या था, संख्या दो संख्या के अंतर का एससीएफ। असमान का नियम क्या था, तो संख्या माइनस शेष का एससीएफ, संख्या और शेष के अंतर का एससीएफ। एलसीएम के लिए दो क्वेश्चन में समान शेष का मेथड क्या था, तो एलसीएम प्लस रिमाइंडर। असमान का नियम क्या था, एलसीएम माइनस के। के क्या होता है, तो नंबर और रिमाइंडर का डिफरेंस होता है। ये चार बात याद रखिएगा। ऐसे तो हम इतना बार बोले कि आपको याद ही हो गया होगा, नहीं याद होगा चार बार वीडियो देखिएगा। लेकिन रिमाइंडर का क्वेश्चन आप बनाना चाहते हैं तो ये चार बात याद रखना होगा। इसके याद रखे बिना बनाना संभव नहीं, एकदम याद रखिए। तो रिकॉर्डिंग हम बंद कर देते हैं, नेट का स्थिति सुधरेगा, लाइव खुद आने लगेंगे। और देखिए इंतज़ार कर रहे हैं, अभी नेट नेट ठीक है तभी तो वीडियो जा रहा है। हो क्या रहा है कि बीच बीच में स्लो डाउन हो रहा है, बीच में एक मिनट के लिए नेट कट जा रहा है, और वहीं कटने से लाइव पढ़ाते हैं वीडियो रुक जाता है। तो ना हमको पढ़ाने में मन लगता है ना आपको पढ़ने में लगता है। अब हम पढ़ाते हैं तो हमारे पास चार चीज़ है, वीडियो है, साउंड है, इंटरनेट है। अब सब पर ध्यान दौड़ाते रहते हैं कहीं कोई चीज़ बंद तो ना हो गया। और चौथा चीज़ पढ़ाई है, तो पढ़ाई पर ध्यान रहता है लास्ट में, पहले इस सब पर ज़्यादा ध्यान रहता है। लेकिन ठीक हो जाएगा जब इस सब सारे सामान पर ट्रस्ट आ जाएगा कि ना साउंड एकदम ठीक है, वीडियो ठीक है, तो उधर से ध्यान खुद ब खुद हट जाएगा, ध्यान आ जाएगा पढ़ाई पर। यही कारण है कभी कल देखते हैं कटाना है चार बार तक कट जाता है, पांच बार, दो प्लस दो पाँचों कभी कल लिखा जाता है, यही रीजन है। क्लास में जब ऑफलाइन पढ़ाते हैं तब ऐसा होता है, क्लास में तो जो लिख दिए वो सही है, भले ही किताब गलत हो सकता है, हम जल्दी गलत नहीं होते हैं, इतना कमांड रहता है, इतना पढ़ाते हैं, विश्वास रहता है। लेकिन अभी ध्यान बटा हुआ रह जाता है। खैर सब ठीक हो जाएगा, इंटरनेट भी ठीक हो जाएगा जल्दी ही, देख लेते हैं। बोला तो है कि आज शाम तक ठीक हो जाएगा, बोला तो था कि कल ही ठीक हो जाएगा। BSNL है उतना चम है, चलिए ऑफलाइन हो रहे, रिकॉर्डिंग बंद कर रहे हैं।